बहन जी, उषा बहन जी। नहीं नहीं तू जाना। बहन जी तू जाना, मैं कह रही हूँ ना। आप भेजे तो जाऊं, एक साल से मस्कर जाने के चक्कर में आखिरी चक्कर मार रहा हूँ। पूरे 50,000 रुपए दिए बहन जी। तू जा रहा है कि नहीं? कमाल है, मैं जाने के लिए कब से खड़ा हूँ और आप भेजते नहीं। यही तो, जाने के बाद फोन करना। हाँ ओके बाय। बोलो। मुझे जाना है। तू जाओ। कहाँ? जहाँ तुम जाना चाहते हो। वहाँ तो आप भेजोगे ना? तो भेज देंगे। कहाँ? जहाँ तुम जाना चाहते हो। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? लो, खुद भी कंफ्यूज हो और हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो। एक मिनट। हेलो, अरे तुम गए नहीं अब तक? हाँ? एक मिनट, ये कहाँ चला गया? हाँ नन्हे। अरे भैया। है भैया किसको बोलता है? आपको बोला। अपन भैया दिखता है क्या? भैया दिखता है क्या अपन? नहीं, ऊपर से देखने में तो भैया ही लगते हो, अभी अंदर से तो बाकी। भैया भैया बोलने का नहीं है, गाली नहीं देगा। नहीं, गाली नहीं दिया मैंने आपको। अभी बोला ना भैया, बोला ना अभी। नहीं भैया मैंने बोला, वो तो मैंने आपका रिस्पेक्ट किया, भैया मतलब भाई साहब। अच्छा, ए भैया नया है क्या? अभी अभी काशी नगर से उतरा हूँ। ओ, और यहाँ पे चढ़ गया? मैं नन्ने को मिलने आया हूँ, वो इसी दफ्तर में काम करता है। नन्ना? हाँ। कितना नन्ना है? एक ही नन्ना है। नहीं नहीं, दिखने में कितना नन्ना है? वैसे तो हमने उसको बहुत दिनों से देखा नहीं है, पर आप जितना नन्ना होगा। क्या? अरे इतना बड़ा आदमी आपको नन्ना दिखता है क्या? नहीं नहीं, मतलब आप शायद मुझे बता सके कि इस ऑफिस में कौन नन्ने है। क्या काम क्या करता है आपका नन्ना? वो लोगों को बाहर भेजता है। हाँ तो यहाँ तो सभी लोगों को बाहर भेजते हैं, अभी हम भी तुमको बाहर भेजेगा तो क्या हम नन्ना हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ऊंची जगह पर है। कितनी ऊंची जगह पे? बहुत ऊंचा बैठता है। छत पर बैठ के काम करता है क्या? अरे पोस्ट क्या है? पोस्ट प्यून है, मालिक है, मैनेजर है, क्लर्क है, क्या है क्या? वो नन्हे है। नन्हे फरिश्ते? वहाँ ऑफिस में जाइए, वहाँ एक मैडम बैठी होगी, उसको पूछिए। वो नन्हे है? नहीं वो नन्हे नहीं है, वो नन्ही है। नन्ही है? नन्हे से। अरे तू गया नहीं अब तक? हाँ जा, मैं कब से तुझे जाने के लिए बोल रही हूँ और तू आ रहा है। तू जा। अरे हम अभी तो आए। हाँ तू जा। अच्छा रुक, आजा, बाद में जाने। हाँ हाँ बाद में। कमाल है, कभी आने के लिए कहती है, कभी जाने के लिए कहती है। भाभी हम मुसद्दी। एक मिनट, भाभी किसे कहा आपने? आपको कहा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाभी कहने की? ऐसे क्या? नहीं मतलब भाभी इसलिए कहा क्योंकि भाभी तो माँ जैसी होती है ना। हाँ हाँ, अभी भाभी कहा है, बाद में माँ कहोगे? नहीं नहीं, माँ नहीं कहूंगा भाभी। फिर भाभी? मैडम बोलो, मैडम। उषा मैडम। उषा मैडम। हाँ बोलो, कहाँ जाना है? दुबई, मस्कत, सिंगापुर, लंदन, अमेरिका, बांग्लादेश? जी नन्हे। ये कौन सी कंट्री है? जी नन्हे मेरी मुंह बोली बीवी की बुआ का बेटा है। क्या मुंह बोली बीवी? नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरी बीवी की मुंह बोली बुआ का बेटा है। अच्छा अच्छा, यहाँ क्या करता है वो? जी लोगों को बाहर भेजता है। लोगों को बाहर तो ये भी भेजते हैं भाटिया जी। आप नन्हे हैं? पहले बताओ काम क्या है? ये यहाँ किसी नन्हे से मिलने आया है। बाहर जाना है? जी दुबई। ठीक है, यहाँ आके बैठो। थैंक यू भाभी। आप नन्हे हैं? पहले ये बताओ कि इस डब्बे में क्या है? इस डब्बे में तो नन्हे की माँ ने नन्हे के लिए लड्डू भेजे हैं। माँ, माँ, माँ। आप नन्हे हैं? हाँ मैं नन्हे हूँ माँ। नन्हे हम मुसद्दी, जीजा, पहचाना? ना, आ, पहचाना जीजा। जीजा, जीजी कैसी है? जीजी तो बिल्कुल ठीक है, हम बाहर जाने के लिए आए हैं। बाहर जाने के लिए अंदर आए हो? हाँ। तो बाहर से बाहरी को नहीं चले गए? यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं, देश से बाहर जाने के लिए। अच्छा कहाँ? दुबई। अब गांव में तो काम रहा नहीं। अरे तो शहरों में कहाँ है? इसीलिए तो डिसाइड किया कि दुबई चले जाते हैं। तो बुआ ने कहा नन्हे के पास चले जाओ, नन्हे लोगों को बाहर भेजता है। नन्हे तुम हमें बाहर भेज दोगे ना? हाँ बिल्कुल भेज देंगे। अरे लड्डू बहुत अच्छे हैं भाई। अच्छा, बुआ बता रही थी कि नन्हे तुम बचपन में चुरा चुरा के खाया करते थे लड्डू। बचपन में?
अरे हम तो अब भी चुरा के खा रहे हैं। अच्छा? एक काम करो, ये लो अपना डब्बा, कल आ जाना और फॉर्म भर के 50,000 रुपए जमा कर देना। वो तो हम कर देंगे, पर जाएं कहाँ? अपने घर। हमारा घर तो बांदा में है। बुआ कह रही थी कि नन्हे के पास जा रहे हो तो उसी के पास जाके रह लेना। क्या? हाँ। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे साथ नहीं ठहर सकते। काहे नहीं ठहर सकते? अरे बोला ना नहीं ठहर सकते। मगर काहे नहीं ठहर सकते? बोला ना नहीं ठहर सकते। नन्हे, हम काहे नहीं ठहर सकते तुम्हारे साथ। भाई साहब, भाटिया साहब नमस्कार, ये लीजिए 10 ठो फॉर्म, अभी आज तत्काल भेजना लंदन। करवाए साहब, ऐसे घूर के का देख रहे हो आप? थोड़े देखे जान पड़ रहे हैं। अरे 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 मुसद्दी जीजा, मुसद्दी जीजा। कौन हो भाई? नन्हे। क्या? अरे धनिया दीदी के मुंह बोली बुआ का बेटा नन्हे, भूल गए का? तुम नन्हे हो? तुम नन्हे हो तो ये कौन है? अरे तो भाटिया है, ऑफिस इंचार्ज। तुम नन्हे नहीं हो? कमाल है, हम आपको नन्हे दिखाई देते हैं। अरे तुम नन्हे नहीं हो तो हमारे लड्डू गाय के लिए ले लिए। अरे नहीं, लड्डू वापस करो हमारे। नहीं करेंगे हम। कैसे नहीं करेंगे? लड्डू ले लिया बुआ, गुस्सा पीजा। अरे तो खाना नहीं, लड्डू छोड़े छोड़िए ना। अरे कैसा आदमी है? बुआ ने कहा था नन्हे के हाथ में जाके देना ये लड्डू, और ये ससुर बोला कि ये नन्हे है, निकाल बाहर क्यों नहीं करते ऐसे लोगों को तुम दफ्तर से? जीजा जीजा जीजा, अरे बोलो ना, गेट आउट, बाहर नहीं जाता तो हम खींच के बाहर करेंगे। ये निकालेगा भाटिया को? हाँ, क्यों नन्हे? नहीं, हम नहीं निकाल सकते ना। अरे काहे नहीं निकाल सकते, ये तुम्हारा दफ्तर है ना? ना, हम यहाँ सिर्फ ब्रोकर है ना। ये ब्रोकर का होता है? दलाल, दलाली करता है शुक्ला। जीजा ने, तू दलाली करता है यहाँ? जीजा समझा करो ना। यहाँ दलाली करता है, वहाँ बुआ को जाके क्या जवाब देंगे हम? घर कहाँ है तुम्हारा? काहे? अब वहीं जाकर रहेंगे ना रात में। देखो जीजा, ये जो दुबई भाई का चक्कर छोड़ो, सीधा गांव चल जाओ वापस। अरे नहीं नन्हे। अरे जीजा, हमको नन्हे मत बोलो ना। तो काहे ना कहे नन्हे? अरे यहाँ ऑफिस है, सब शुक्ला जी बोल के रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप भी प्लीज। मतलब आप भी नन्हे ना कहे? नहीं जीजा जी, देखो घर चल के जुट्टा मार लेना, लेकिन यहाँ शुक्ला जी बोलो ना प्लीज जीजा जी। चलो ठीक है। शुक्ला जी, ये फार्म वारम कहाँ मिलेगा? हाँ, अंदर जाते ना ऊषा मैडम के पास, फार्म भर के जमा कर दो। ठीक है, तो हम फार्म भर के आते हैं नन्ने। क्या नन्ने? नन्ने देखो देखो पटेल, रिस्पेक्ट से। अच्छा सॉरी, क्या मुर्गा तुम्हारे गांव से आया है क्या? हाँ, हमारे बहन का जीजा है, मेरा मतलब पति है। अच्छा अच्छा, तो इसको दुबई भेजोगे? अरे छोड़ो, हम 5 साल से खुद है दुबई नहीं जा पाए, इसको क्या खाक भेजेंगे दुबई? तू जाके आया, वापस कब जाएगा? और नहीं नहीं, तू जा, हमें फॉर्म भरना था। देख तुझे मेरी कसम, ललिता ना हमेशा कहती है उसका पति नेपाल रिटर्न है, मैं तो चाहती हूँ मेरा पति ओनली नेपाल हो, रिटर्न ही ना हो। तू जाओ ना। मैं जाऊंगा तो तभी जब आप भेजेंगी मुझे। क्या? हाँ हाँ, तू जा। ओके बाय। हाँ, ये फॉर्म भरो। हमें भरना नहीं आता है, आप भर दो। उसका एक्स्ट्रा लगेगा? किसका एक्स्ट्रा लगेगा? फॉर्म भरने का। तो ठीक है, दे देंगे, भरो। ठीक है, नाम बोलो। मुसद्दी लाल शुक्ला। क्वालिफिकेशन? 2 बार एमए का डिग्री लिया था। लिया था? हाँ, वहाँ बांदा में मिलता है। अच्छा, क्या कर सकते हो? क्या करना होगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम क्या कर सकते हो वो पहले बताओ, तो उस हिसाब से वहाँ जॉब मिलेगा ना। प्लम्बिंग वगैरह जानते हो? नहीं। नहीं, इलेक्ट्रिशियन हो? नहीं। तो क्या, खाना बनाना जानते हो? कुक, बावर्ची? नहीं नहीं। तो ड्राइविंग आती है? गाड़ी चलाना? रिक्शा चला सकता हूँ। ऑटो? अरे अरे, कहाँ चले? आप ही ने तो कहा हटो। मैंने हटो नहीं कहा, मैंने पूछा ऑटो रिक्शा, वो स्कूटर वाला चला सकते हो क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, लेकिन हम वहाँ बांदा में साइकिल वाली रिक्शा 3 पहियों वाली चलाते थे। नहीं नहीं नहीं, वो वहाँ नहीं चलेगा। और क्या कर सकते हो? और हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो कैटेगरी लेबर। फोटो लाए हो? हाँ फोटो लाया हूँ। पासपोर्ट? पासपोर्ट नहीं है। उसके एक्स्ट्रा लगेंगे? किसके एक्स्ट्रा लगेंगे? पासपोर्ट के। ठीक है, दे देंगे। अच्छा ठीक है, तो कुल मिला के 55,000 जमा कर दो। ठीक है, कहाँ जमा करने होंगे? वहाँ भाटिया जी के पास। भाटिया, उसके पास तो कभी जमा नहीं करूंगा मैं। क्यों? वो तो लड्डू चोर है, मेरे नन्हे लड्डू खा गया, मैं पैसे तो अपने नन्हे को दूंगा। अच्छा ठीक है। गुरुआ गुरु, बस प्रॉपर अच्छा किया हमारे पास पैसा जमा कराया।
कितनी बार कहा है तुमसे कि पान थूक के बात किया करो नन्हे। मतलब शुक्ला जी गुस्सा दिला देते हो, पैसा जमा करा के हम आते हैं। अब हम जाएंगे दुबई। अरे पांडे जी वो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। तुम्हारा जीजा? अरे काहे का जीजा, हम जब 5 साल पहले यहाँ आए थे ना तो हमारा साला यही दलाली करता था। साला हमारे ही पैसे से सऊदी भाग गया साला। और तुम अपने जीजा के पैसे से? जी सर। एक बात बताओ, तुम्हारे खानदान में जीजा का पीजा बनाने की प्रथा है क्या? नहीं सर, बट हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, तुम हमारी एजेंसी के पुराने दलाल हो इसलिए। अरे थैंक यू माई बाप, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनो जी सर, तुम्हारे जीजा का कोई और जीजा है? नहीं सर। तो फिर वो तो गया बेचारा। भाटिया ये लिस्ट है, दुबई से आई है, सिर्फ 6 लोगों की वैकेंसी है। सर 80 लोगों से पैसे ले चुके हैं हम लोग तो, और खा भी चुके हैं सर। हाँ अब किस किस को भेजेंगे? सर एक तो मेरे पति को भेजना है, आपने प्रॉमिस किया था सर। कब? उस दिन जब मैं ओवर टाइम कर रही थी। ठीक है भाई, बाकी बचे 5। सर 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 एक हम सर पिछले 5 साल से वेटिंग लिस्ट में सर। सर ये शुक्ला को तो भेज ही दीजिए प्लीज। हाँ, वरना यहाँ तो पीटेगा, बहुतों के पैसे खाए हैं इसने। तो एक काम करो, एक इंटरव्यू का इंतजाम करो। इंटरव्यू? हाँ बाकी 80 का इंटरव्यू लेंगे और चुनेंगे ना इसको। सर वीजा तो 6 का लगा है। 6 लोग प्लेन से जाएंगे और 4ों को समुद्र के रास्ते भेजेंगे चोरी चोरी। चुपके चुपके। अरे वाह नन्ने, तू तो चोरी चोरी आगे चल दिया। अरे जीजा जी सब आप ही की दया है। जल्दी आओ, बैग टूट जाएगी। बस तुम चलो, हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छा जीजा जी, दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। ओके चले। अरे भाई अब हमारा नंबर कब आएगा? कब जाना चाहते हो? हम तो अभी तो जाओ। भाई साहब पिछले 1 साल से हम यहाँ के आपकी एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, 55,000 रुपया दे चुके हैं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा टेंशन हो रहा है। भाई साहब आपने तो सिर्फ 55,000 रुपए दिए हैं तो आपको टेंशन हो रहा है? अरे हम तो 85 लोगों से 50,000 रुपए ले चुके हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं हो रहा। अरे पैसे लेने में काहे का टेंशन है भाई? लो खर्च करने का कोई टेंशन नहीं होता? नहीं होता तो है पर क्या है यार, तुम्हारा पासपोर्ट बनवा दिया है, वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, जैसे ही बन जाएगा तुमको भेज देंगे। साला तो चला गया, जीजा का वीजा नहीं आया। मेरा वीजा कब आएगा? अरे जब बन जाएगा। तो कब बनेगा? जब आ जाएगा। वही तो पूछ रहा हूँ कि कब आएगा। अरे अभी तो बताया था। क्या? वही जो तुमने पूछा था। क्या पूछा था? ये पूछ के आओ। क्या? जो तुमने क्या पूछा था? किससे? अरे ये हमसे मत पूछो। अरे क्या ना पूछूं, क्या क्या पूछूं? अरे पूछ पूछ के मैं तो पुछलग्गू हो गया हूँ, पर यहाँ इस ऑफिस में कोई मुझे नहीं पूछता। क्या बात है भाई, हम पूछते हैं। क्या? जो आप बताना चाहते हैं। अरे मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ। कमाल है, अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे कोई पूछता नहीं है, अभी कह रहे हो कि मैं पूछना चाहता हूँ। पहले डिसाइड करके आओ, पूछना चाहते हो या पुछलग्गू, हमें कंफ्यूज मत करो, समझे? अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मैं दुबई कब जाऊंगा। जब तुम पैसे जमा करोगे। क्या पैसे? तो मैंने साल भर पहले जमा किए थे। किसके पास? नन्हे के पास। नन्हे कौन है ये नन्हे? नन्हे वही अपने शुक्ला जी। तुम्हारा साला? हाँ मेरा साला। अरे वो तो तुमको जीजा बना के चला गया। मेरा नन्हे मेरे पैसे से बाहर चला गया? यही तो, वो खुद दुबई चला गया। तो अब मेरा क्या होगा? तुम्हारा कोई जीजा है? हाँ एक मुंह बोला जीजा तो है। बस तुम उसको जीजा बनाओ। आइडिया बुरा नहीं है। नेक्स्ट लॉट अगले महीने जा रहा है। अरे अगले महीने क्या, मैं तो इसी महीने आता हूँ। ये लीजिए 50,000 रुपए। किसको जीजा बनाया? जीजे को। अब तो जाऊंगा ना दुबई। नहीं पहले तो दुबई से आए हुए शेख साहब आपका इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद। शेख साहब? क्या शेख पटेल? ये रफाक खुरफाक सरफाक। क्या बोल रहे हैं? आपको सिलेक्ट कर लिया गया। क्या? आपको सिलेक्ट कर दी, बाकी को रिजेक्ट कर दी, आप शिप में जाने की। नहीं 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 नहीं, मैं वो शिप वाले जहाज से नहीं जाऊंगा, मैं तो हवा वाले प्लेन से जाऊंगा। प्लेन में वीजा वाले जाते हैं? इनका कहने का मतलब है कि प्लेन में वो लोग जाते हैं जिनका वीजा नकली होता है। नहीं नहीं, पर मैं तो वो हवा वाले प्लेन से ही जाऊंगा। देखो मान जाने की, शिप में जाने की,
प्लेन से जाएगी, प्लेन क्रैश होगी तो बचने की चांस खुराफात, और शिप डूब जाती तो दो बातें होती, या तो तुम भी डूब जाते या तो तैर के निकल जाती। डूब जाती तो खुराफात, तैर के निकल जाती तो दो बातें होती, या तो टापू पे पहुंचती या तो किनारे पे पहुंचती। टापू पे पहुंचती तो खुराफात, किनारे पे पहुंचती। ठीक है, मैं वो शिप वाले जहाज से जाने के लिए तैयार। गौर, आखिरी सफर की तैयारी करो। है जी। जाओ सत्यलाल, दुबई से लौटना तो हमको भूल मत जाना। देखो भाई, वहां से काजू बादाम जरूर लाना। और मेरे लिए दुबई फेस्टिवल से साड़ियां। भाई, हमारे लिए क्या लाएगी? आपके लिए, आप तो वहीं रहते हैं ना। खुराफात, खुराफात। अच्छा जी, टाटा 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 टाटा। जा भाई पटेल, चाय वाले आप। हाँ, अभी लाए भाटिया। भाटी जी, आपको लगता है मुसद्दीलाल दुबई पहुंचेगा? पहुंचेगा, अगर शिप में रेड न पड़ी तो। और अगर पड़ गई तो? पड़ गई तो दो बातें होगी, या तो पकड़ा जाएगा या तो पानी में कूद जाएगा। अगर पकड़ी गई तो खुराफात, और कूद गई तो भी खुराफात। यही तो, अब आ जाओ वापस, 5 साल हो गए। मुझे तो लगता है तुमने वहाँ जरूर दूसरी शादी कर ली है। हाँ भाई, मस्कट, सऊदीया, दुबई, लंदन कहा जाए? अरे कहीं नहीं, पांडे जी। हम, अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो अपना नन्ने है, शुक्ला। यही तो, मैं कहूँ शुक्ला जी कैसे हो, कब आए दुबई से? आए क्या, भाग के आ गए। लेकिन तुम तो प्लम्बर बन के गए थे। अरे बहुत मारा भाई। किसने? शेखो ने। क्यों? अरे वहाँ ऊँट के पीठ पे बच्चों को बिठा के दौड़ाते हैं ना। हाँ। तो हमें भी वहीं बांध के दौड़ा दिया। अरे लेकिन तुम तो बच्चे नहीं हो। अरे नाम में कंफ्यूज हो गए भाई, नन्ने। यही तो, तुमने उन्हें मना नहीं किया? अरे बहुत मना किया भाई, 4 साल तक प्राइवेट जेल में रखा, तरह तरह के अत्याचार किए शेखो ने, बहुत मुश्किल से बच के आए। सही बात है भैया, अपना इंडिया ही भला है चाहे जो कहो। हेलो एवरीबॉडी। आप कौन? हाँ, तो सकल जानी पहचानी लग रही है। क्या नन्हे, पहचाना नहीं, जीजा। नन्हे, मुसद्दी जीजा। हाँ। अरे ये तो इंसान बन गया। दुबई से लौटे क्या? नहीं, तुर्की से। तुर्की से? मगर आप तो दुबई के शिप में बैठे थे ना। हाँ, पर उस शिप पे रेड पड़ गया तो मैं समंदर में कूद गया, और तैरते 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 मैं तुर्की के किनारे पहुंच गया। वहां पे एक लड़की ने मुझे बचा लिया, मैंने उससे शादी किया और बहुत सा माल बनाया। तुम सुनाओ नन्हे, तुम्हें मिली कोई शेखनी? नहीं। तो फिर क्या मिला? शेख। ओह। ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਚਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ। ਬਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਈ ਜਰਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚਲਾਓ, मेरा तबादला मुंबई से दिल्ली हुआ है, दुनिया से तबादला मत करा देना। पीछे भाई समान समान है, बीवी जीवी है। ओ कुछ नहीं होता आपकी फैमिली को, बड़ी ठाठा गड्डी है मेरी। ओ क्या ठाठा गड्डी है, अभी अभी तो मुंबई से निकले हैं, 3 बार समान समान गिर चुका है, 2 बार बीवी जीवी गिर चुकी है, दिल्ली पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या होगा। भौजी आप एकदम ठाठा हो जाओ, मैंने आपकी बीवी के साथ आपका सामान बांध दिया है, अब ना तो आपकी बीवी गिरेगी और ना ही आपका सामान। अच्छा, मतलब पक्का है कि अब मेरी बीवी नहीं गिरेगी? ओहो, मेरे पर यकीन नहीं है तो आप खुद एक बार ठाठा कर लो। अच्छा ठाठा, मैं क्या भागवान, ठीक ठाक है? दिल्ली पहुँचो, बताती हूँ। चलाओ जी चलाओ, जितनी तेज चलानी है चलाओ जी। तेज क्या चलानी है, अब तो गड्डी रोकनी पड़ेगी। क्या पंचर शंचर हो गया? नहीं पंचर नहीं हुआ, चुंगी आ गई है। चुंगी? रुको, साइड में लगाओ, साइड में लगाओ, चलो। ओ भाई आराम से ब्रेक शेक लगाओ। कोई बात नहीं भाऊ जी, चलो उधर 25 रुपए ठाठा कर दो। 25 रुपए क्यों? वो ये टोल नाका है चुंगी। टोल नाका क्या होता है भाई? ले, कभी बंबई से बाहर नहीं निकले क्या? ओ मैं कभी कार से बाहर नहीं निकला, पहली बार निकला भाई। चलो कोई बात नहीं, अब 25 रुपए दे दो उसको। अरे बढ़िया। पटेल साहब नमस्ते, क्या हाल है? ठाठा है ठाठा। कहाँ?
बस दिल्ली जा रहे हैं जी, ये बाबू जी का ठा हो गया, ट्रांसफर हो गया। चलो किधर, पहले 25 रूपए देने पड़ेंगे, नहीं जा सकते। तो भाई 25 रूपए किस चीज के? अरे भाई टोल देना पड़ता है ना, फ्लाई ओवर आया ना बीच में, तो यूज किया होगा ना। फ्लाई ओवर? नहीं फ्लाई ओवर हमने यूज नहीं किया, हम तो नीचे से निकले थे, बल्कि जो राइट साइड में सड़क है ना उससे चले गए थे। बताओ ना भाटिया। अरे उससे क्या होता है, फ्लाई ओवर देखा तो था ना। देखा तो था, कैसा लगा? ओ कमाल का बनाया जी, एकदम टिच बनाया ना। 2.25 रूपए क्या है, देखने का भी टोल लगता है। हाँ अभी हमें क्या पता, झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ऐसे कैसे जी, सरकारी रूल है भाई, 2.25 रूपए दो, 10 रूपए ले लो। यार 10 नहीं 25, और 10 रूपए बहुत है यार। तो महाराज रसीद देगा वो? और रसीद नहीं चाहिए मुझे, 10 रूपए बहुत है भाई। रसीद नहीं चाहिए ना, सरकारी कर्मचारी हो। हाँ जी, आपको कैसे पता चला? चल जाता है पता। चलो 15 रूपए दो। लो जी 15 रूपए, 5 का सिक्का है मेरे पास। मैं ना PWD में काम करता हूँ। अच्छा? हाँ मैं भी PWD में काम करता हूँ। आप पर PWD तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है ना, आपकी वर्दी तो नहीं। हमारा क्या है, PWD होता है पुलिस वसूली डिपार्टमेंट। चलो भाटिया फालका खोलो। फालका शालका काहे के लिए? अरे भाई देखना पड़ेगा ना, कोई गैर कानूनी सामान ले जा रहे हो या नहीं ले जा रहे हो। चलो उतरो। चलो मुलायम राणा दरवाजा खोलो। ओ जी, ओ इंस्पेक्टर साहब, उसमें कोई गैर कानूनी सामान नहीं है। हमें अपना काम करने दो, चुप रहो तुम, समझे? ये क्या? ओ ये तो जी फ्रिज है जी। सोफे पे फ्रिज बैठा है क्या? वो सोफे के ऊपर? ओ नहीं जी, ये तो मेरी पत्नी है। पागल है क्या? नहीं पागल तो नहीं है जी। तो बांध के क्यों रखा है? दो बार चलते ट्रक से ठाट आ गई थी। क्या बात है, सुधरेगा नहीं? इस महीने कितने को उड़ाया? ज्यादा नहीं, बस 5 और 5 10 और 2 नहीं, 1.5 11 11.5 और एक के सिर्फ हाथ पैर ठाट हुए थे जी। अच्छा जी, हो गई चेकिंग शेकिंग? क्या हो गई, अभी सामान कहाँ उतारा है? मतलब पूरा सामान उतार के चेकिंग शेकिंग करोगे? ऑफ कोर्स, अंदर कोई स्मगलिंग का सामान हुआ तो? नहीं जी, मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, ट्रांसफर हुआ है, मैं आपको पैरों से स्मगलर दिखाई देता हूँ। पटेल साहब जाने तो छोड़ो। क्या जाने तो? नहीं नहीं, सामान तो पूरा उतरेगा भाई। ओ मुलायम और आने, चलो उतारो सामान उतारो, बीवी छोड़ के सब कुछ ध्यान से उतारना। और नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब देखो, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी भाई, मैंने 300 रूपए दे के बड़ी मुश्किल से मजदूरों के साथ सामान ऊपर चढ़ाया है। पाटिया साहब कुछ बोलो ना यार प्लीज। ये ऐसे नहीं मानेगा, 500 रूपए लेगा, मुझे पता है इसका रेट। तो कम कराओ यार। अच्छा ठीक है, 450 रूपए दो, मैं बात करता हूँ। उधर देखिए, 1 2 3 4 ये और ये 50 रूपए कहाँ गए? हाँ लो, हो गया ठीक है। ठीक चलो, आप कहाँ आ रहे हो? आपके सामने नहीं लेगा वो, मैं देख आता हूँ। पटेल साहब 1 2 3 एकदम ठाठा है। ठीक है भाई जाने दो। थैंक यू जी, चलो चलो पारी सर। चलो कहाँ जी, चुंगी तो भर दो। चुंगी? सामने चुंगी दफ्तर है। तो मैंने देता चुंगी? पुंगी? पुंगी नहीं लेते ये पुंगी बजा देते हैं जो इनकी चुंगी नहीं भरता। पर मैं क्यों दूं चुंगी? बहू जी आपका ट्रांसफर हुआ है, आप जा रहे हो, मान लो 4 दिन बाद आपका फिर ट्रांसफर हो गया तो वापस आओगे ना, इन्होंने सारे सामान पे 4% ऑक्ट्राइड ठोक देनी है। पर मैं वापस क्यों आऊंगा, वो बड़ी मुश्किल से तो खिलाफ ला के मैंने ट्रांसफर कराया, वापस नहीं आता अब मैं। देखो जी मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, मान लो आपका ट्रांसफर हो गया 4 दिन बाद तो आप की इन्होंने ठाठा कर देनी है। तो मैं क्यों आऊंगा वापस? देखो भाटिया कह रहा है वो मान जाओ, आर फॉर्म भर दो, वरना 2 बातें होगी, या तो दिल्ली से आपका ट्रांसफर वापस मुंबई होगा या तो नहीं होगा। नहीं हुआ तो ठीक, मगर हुआ तो 2 बातें होगी, या तो पूरा सामान आप वापस लाएंगे, या तो सामान वहीं पर बेच के कैश लाएंगे। कैश लाए तो ठीक, मगर सामान लाए तो 2 बातें होगी, या तो ऑक्ट्रॉय लगेगा या तो नहीं लगेगा। नहीं लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और लगा तो 2 बातें होगी, या तो रसीद के साथ भरोगे या तो बिना रसीद के। अरे भाई रसीद के साथ भरना है या बिना रसीद के भरना है? भरना तो है ही ना, तो अभी भर दो ना। कहाँ भाई, कहाँ फॉर्म मिलता है बताए? पहले कह रहा था, आओ बता दो ना भाई। तू ठीक रहना जरा। ओ मुलायम चलो दरवाजा बंद करो। सुनिए यहाँ कहीं लेडीज टॉयलेट है? लेडीज टॉयलेट तो नहीं है, हाँ कॉमन टॉयलेट है। कहाँ? जहाँ बना लो। क्या? लो यहाँ तो लाइन लगी हुई है, ठा ठा लग जाओ लाइन में, नंबर आएगा तो फॉर्म भर देना, मैं अभी आता हूँ। अब मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? बहुत ही सवेरे से पेट में बड़ी ठा ठा हो रही है ना, टॉयलेट जाना? ना वो वाली नहीं, भूख वाली ठा ठा। अच्छा जल्दी आ जाना। चलो भाई साहब चलो 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 आगे चलो, आगे बढ़े तो चलू ना मैं। ये लेडी कर क्या रही है भाई, कर क्या रही है, इतना टाइम क्यों लगा रही है? चलो 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 चलो। कहाँ जाओगे? जी गुजरात जाना। वापस कब आओगे? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद? 1 मिनट, ये लो 7 दर्जन पापड़। ये 1 हफ्ते में तो नहीं बिकेंगे? अरे नहीं बिकेंगे तो खुद खा लेना, घर के बने हुए 105। चलो चलो भाई चलो चलो, और भाई साहब जल्दी करो भाई, अब पैसा नहीं जेब से निकल रहा है, बंदा क्या है। कहाँ जाओगे? जी दिल्ली। गुड, ये लो 50 दर्जन पापड़, दिल्ली में खूब बिकेंगे। तो मैं क्या करूं? अरे जाओ खाओ, लेके जाओ बेचो। अच्छा खाओ जाओ।
चलो ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। आप एक फॉर्म दे दीजिए। फॉर्म तो देती हूँ, पहले 750 तो दो। 750 पर फॉर्म तो फ्री है ना? फॉर्म फ्री है पर पापड़ नहीं ना। पापड़ अभी अभी तुमने खरीदे हैं? मैंने मैंने बेचे हैं। किसे? तुम्हें। कब? अब। ये अच्छा अच्छा ये बेचे। अच्छा मुझे तो लगा था कि आपने गिफ्ट शिफ्ट दे दिया है। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन नहीं, नहीं तो फिर मैं तुम्हें गिफ्ट क्यों दूंगी? लाओ 750। आज फूल्स डे है। नहीं तो फिर मैं आपसे क्यों खरीदूंगा ये पापड़? मुझे पापड़ वापड़ नहीं चाहिए। फॉर्म दो फॉर्म आप। अच्छा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सेक्स कैसे है? आप फॉर्म दो मुझे। अजीब दादागिरी बना रखी है यहाँ पे। आप ऑफिस में काम करती हो, क्या करती हो? धंधा करती हो आप? और शर्म नहीं आती आपको? क्या कहा तुमने? मैं धंधा करती हूँ? हाँ हाँ धंधा ही तो करती हो आप। क्या? इससे पहले कि मेरा हाथ हाथ उठ जाए, आप ये बताओ कि आपने ये मुझे थप्पड़ छप्पड़ क्यों मारा? मुझे धंधे वाले क्यों कहा आपने? और मैंने कब आपसे धंधे वाली कहा? झूठ बोलते हैं आप, मैं वहां बैठ के सुन रहा था। आपने इनसे कहा कि आप धंधे वाली हैं? नहीं धंधे वाली नहीं, मैंने कहा आप धंधा करती हैं, मतलब पापड़ छापड़ का धंधा करती हैं। भाई मैंने वाला धंधा थोड़ा ही कहा है। पक्का? पक्का मतलब मेरी तरफ से तो पक्का है। आप आपस में डिसाइड कर लीजिए। तो फिर सॉरी। तो सॉरी तो आपने कह दिया, पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लेडी ना होती ना, आपकी जगह पे कोई जेंट शेंट होता जैसे ये भाई साहब, तो मैंने ना यहां से खेद के थप्पड़ यूं मार देना था। ओ सॉरी सॉरी भाई साहब, बहुत जोर से तो लगा। इट्स ओके, लेकिन आइंदा ऐसे थप्पड़ मत मारिए। मतलब कैसे? ऐसे। तो जी आप 750 रुपए दो, मेरे को फॉर्म दे दो। किलो 700, किलो 50। थैंक यू। काम बोलो। ये काम तो यही है, फॉर्म भरवाना है। काम तो यही है, फॉर्म भरवाना है। अबे जेंटलमैन, व्हाट इज योर नेम? इमो सतीलाल गंडोत्रा। ये नाम है? हाँ जी, आपको क्या लगा? हमको लगा साउथ अफ्रीका स्टेशन है कोई किसी का। बोलो कहाँ जा रहे हैं? जी तबादला शबादला हो गया है। कहाँ? दिल्ली शिल्ली। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या सामान ले जा रहे हैं? अब सामान तो वही जो कार शार का सामान है जी। हाँ तो बोलिए ना क्या क्या, विस्तार से बताइए। चलिए लिख लीजिए। सोफा शोफा है। सोफा। मशीन शशीन है। मशीन शशीन। फ्रिज व्रिज है। फ्रिज व्रिज। टीवी शीवी है। टीवी शीवी। बर्तन शर्तन है जी। बर्तन शर्तन। और कुछ कपड़े शपड़े वगैरह वगैरह है जी। कपड़े शपड़े ये लीजिए, हम साइन कर दिए। अब जो है पांडे जी से जाकर के अंडर साइन करवा लीजिए। पांडे जी के पास? ये लीजिए, बताइए डिपॉजिट। डिपॉजिट 5000। 5000 किस बात के? अरे कहा ना डिपॉजिट, ऑक्ट्राई अधिनियम 6328404 और 98202960051 के अंतर्गत मुंबई से बाहर जाने वाली किसी भी वस्तु पर 5000 रुपए डिपॉजिट लिया जाता है, और अगर वो अंदर आए तो। ओ पाटिया, ओ पाटिया देख यार। ओ बौरिया, आप अभी तक यहीं पे हो? मैं आपको कहां कहां ठा ठा कर रहा हूँ। पांडे जी नमस्ते। नमस्ते। ये 5000 रुपए डिपॉजिट मांग रहे हैं भाई? वो तो रिबाउंडेबल होता है। हाँ वो वापस हो जाएगा। पर कब वापस होगा? जब लौटेंगे। जब लौटूंगा? ना ना ना, मैं नहीं देता डिपॉजिट शिपॉजिट कोई। पांडे जी कुछ करो ना, आप भी सरकारी नौकर, ये भी सरकारी नौकर, आपस में कुछ ठाठा कर लो ना। ओके 2000, लेकिन डिपॉजिट लिखेंगे 1500। ना 1500, पर डिपॉजिट लिखेंगे 1000। लिखना है? लिखना तो आपने है। नहीं आप भी लिख सकते हैं, आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम भी सरकारी कर्मचारी हैं। शुक्ला जी, क्या बात है पांडे जी? जरा इनका सामान टैली करिए तो, जो फॉर्म में भरा वही ले जा रहे हैं ना। अरे टैली क्या करना है, हमने ही तो लिखा है। अरे कभी कभी तो ड्यूटी कर लिया करो। ठीक है, कहाँ सामान है आपका? वहाँ है ट्रक में। आ जाओ, आ जाओ। काम ये जी ट्रक करो, जो चेक चेक करना करो फटाफट। चेक तो हमने अंदर ही कर लिया था भाई, अब बाहर लाए तो निकालो एक एक सामान। ओ क्या एक एक सामान सामून उतरवाओगे आप? ये 50 रुपए लो, बस साइन करो और ओके करो, बस बात खत्म करो। ठीक है मेरा क्या, चलो जी। अजी ओके, थैंक यू। और जाने लगा ट्रक को। ओ बाऊ, ओ मसद्दी बाऊ, उठ जा भाई। वो क्या हुआ, दिल्ली शिल्ली आ गया? ओ दिल्ली क्या, तेरा घर आ गया भाई, उतरो अब। ओ भगवान। ओ तेरी भगवान नहीं है, मेरी भगवान है। ओ भगवान चल भाई उतर, घर आ गया। और चलो जी उतरो भगवान, दिल्ली शिल्ली आ गया, घर शहर आ गया, तैयारी श्यारी कर लो उतरने की। मुझे उतारो। ओ उतारता हूँ, मजदूर शजदूर लाने पड़ेंगे। पाटिया साहब चलो भाई सामान उतारना शुरू करो।
बाबू जी ऐसे कैसे, पहले रोटी शोटी तो खिला दो यार। और रोटी शोटी भी खिला देंगे, पहले सामान शमान तो उतार। साहब ये मुसद्दीलाल गंडोत्रा यहीं रहते हैं क्या? रहते तो नहीं है, रहने के लिए आए हैं। लो जी उनसे पहले उनका लेटर आ गया। कमाल है भाई, मेरे आने से पहले ही मेरा लेटर शटर भी आ गया। कमाल है, आप तो बड़े फेमस हो भाई। क्या 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 हुआ? और भाई ये तो वापस मुंबई ट्रांसफर हो गया है। क्या? हाँ, और परसों ज्वाइन शाइन करना है। ले फिर तो अभी निकलना पड़ेगा। तो निकलो। ओ बाऊ, क्या है? 25 रुपए दे दे यार। किस बात के? अरे भाई नए फ्लाईओवर बने हैं ना मुंबई में, उसको यूज करेंगे ना, उसका टोल। पर उसका टोल तो दिया था। अरे मगर वो गए थे, वो जो फ्लाईओवर यूज किया था उसका दिया था, अब जो यूज करने जा रहे हैं उसका मांग रहे हैं भाई। ना ना, फ्लाईओवर तो हमने यूज ही नहीं करना है, हम तो नीचे से निकल जाएंगे। अरे मगर जाओगे तो फ्लाईओवर के नीचे से ही ना, फ्लाईओवर होता ही नहीं तो किसके नीचे से जाते, किसके साइड से जाते? भाई यूज तो कर रहे हैं ना, दो 25 रुपए दो। अरे ये लो भाई, 15 रुपए ले लो, रसीद नहीं चाहिए, दे भाई। अच्छा ओके, वेरी गुड, लाओ। ठीक है चलो भाई, साइड में लगाओ। ओ साइड पे क्यों? ओ चेकिंग करनी है उन्होंने। चेकिंग करनी है, चलो खोलो जल्दी, फटाफट फटाफट। ओ देखो पटेल साहब मेरी बात सुनो, इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, जो सामान लेके गए थे वही सामान वापस लेके आए। अरे हम कैसे यकीन मान ले, पूरा सामान उतारना पड़ेगा, क्या है महाराष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। देखो जी 7 दिन हो गए सफर करते हुए, मतलब बंदे का तो बैंड शैंड बजा हुआ है भाई, रफा दफा करो अब। अरे भाई ऐसे कैसे करते हैं? वो जैसे जाते हुए किया था। ओ पार्टिया, वो लेके जाओ ना कोने में पटेल साहब को। ला यार दो 450 रुपए। ये ले 1, 2, 3, 4, ये पकड़। 50 का नोट भी देता हूँ, ये ले 50 का नोट, चल अब मैं देखूंगा अभी नहीं। लो पटेल साहब 300 रुपए। अरे शाबाश, हो गया पलटू। हाँ अब लड़ जाओ। हाँ जी जाओ, ठाठा कर जाओ। जाऊं जी? अरे ऐसे कैसे, पहले ऑक्ट्रॉय फॉर्म भरो, ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर से साइन ले लो। और कौन सा फॉर्म? वही जो जाते टाइम भरा था यार। ओ हाँ, मैंने तो डिपॉजिट भी वापस लेना है। बाटिया ओ थैंक यू वेरी मच भाई, तूने ना कहा होता ना तो मैंने वो फॉर्म नहीं था भरना, और इन लोगों ने ना मेरे अपने सामान पे ही ऑक्ट्रॉय शॉक्ट्रॉय तो लगा ही लेना था। तो अब कौन सा छोड़ देंगे? है अरे मैडम बोलो कहाँ जाना है? ये जाना नहीं, मैं तो वापस आया हूँ। यही तो, फिर यहाँ क्यों आए हो? वो ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर साहब के सिग्नेचर लेने थे और डिपॉजिट वापस लेना था। वो तो पांडे जी देंगे। पांडे जी? पर पांडे जी तो अपनी सीट पर दिखाई नहीं दे रहे ना। दिखेंगे अभी। वो कब दिखेंगे? जब मैं बुला के लाऊंगी। वो आप कब बुला के लाओगे? जब तुम मेरे पापड़ भरोगे। पापड़ भरोगे ना जी? मैंने तो समझ लो कि भरना शुरू कर दिया है। मैं अभी आई। भर दिए क्या? हाँ जी बस भर ही दिए हैं। पांडे जी को बुला लाई आप? मुझे क्या पता, मैं क्या उनके असिस्टेंट हूँ? अरे पांडे जी, पांडे जी। हाँ जी बोलो। ओ जी मैंने वो डिपॉजिट रिटर्न लेना था। क्या डिपॉजिट रिटर्न मांगना? हाँ हाँ, मैं वापस आ गया हूँ ना। एक्स्ट्रा सामान क्या क्या लाया? नहीं एक्स्ट्रा सामान तो कुछ नहीं लाया, बस जो सामान लेके गया था वही वापस लेके आया हूँ। तो ऑक्ट्रॉय कितना भर रहे हो? ऑक्ट्रॉय किस बात का, मैं तो कोई सामान लेके नहीं आया। और दूसरा कुछ भर दो लमसम। लमसम क्यों भरूं, मैं कोई नया सामान लाया नहीं, जो सामान लेके गया था वही सामान वापस लेके आया हूँ। लिस्ट है? हाँ ये देखिए ना, सिग्नेचर है इस पे शुक्ला जी के। नहीं नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो भरना पड़ेगा। सामान कितने का? ये 3-4 लाख रुपए का होगा। 3-4 लाख का 4-10% 4-16 10,000 भर दो। ऐसे घूर क्यों रहे हो? 5 भर दो। क्यों भरूं? आपको चेक करना है तो चेक कर लो, मैं कोई चीज लेके नहीं आया बाहर से। चेक कराना भारी पड़ेगा। अरे आप चेक तो कराओ। शुक्ला जी क्या बात है? पांडे जी जरा इनका सामान चेक करिए, ये चेक कराना चाहते हैं। ठीक है सामान ट्रक से उतरवाइए। क्या? लो जी सारा सामान उतरवा लिया ट्रक से, अब आपने जो चेक करना कर लो, जो टेलीशैली करना कर लो जी। भाटिया जो जो मैं सामान पढ़ू ना चेक करता जियो। ओके शुक्ला जी भाई, हेल्प करो मेरी। हाँ हाँ सोफा है, सोफा नहीं है। सोफा कहाँ छोड़ा है? नहीं नहीं वो तो मैंने ऐसे लिख दिया था, सोफा वोफा तो है ही नहीं। टीवी शिवी? टीवी है, शिवी नहीं है। फ्रिज व्रिज? फ्रिज है, ब्रिज नहीं है। गैस वैस? वैस नहीं है, गैस है। बर्तन शर्तन? बर्तन है, शर्तन तो दिखाई नहीं दे रहे। कपड़े सपड़े? कपड़े हैं, सपड़े कहाँ छोड़ा है? दिल्ली छोड़ा है शायद। बस यही सामान है जो यहाँ से ले गया था, बाकी सारा सामान एक्स्ट्रा लाया है। बताइए कहता है ट्राई नहीं देंगे। और कार का सामान लिख दिया था ना मैंने उसके अंदर।
यही तो, फिर डिटेल में क्यों नहीं लिखा? सिर्फ सामान सामान से कैसे चलेगा? और डिटेल में कैसे लिखता? इतनी सी तो जगह थी, चार लाइनें लिखने की उसके अंदर। सवाल नहीं उषा जी, एस्टिमेट लगाइए कितने का ऑक्ट्राई लगेगा। अरे एस्टिमेट क्या लगाना, 10,000 की अलमारी, 6,000 का वॉशिंग मशीन। अरे नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं है, 10,000 की है। अच्छा ठीक है, 10,000 इसके, 10,000 उसके, 15 इसके, 25 इसके, और सब मिला के वही 2.5 लाख का सामान है। ऑक्ट्राई पेनल्टी लगेगा 10,000। 10,000? शुक्ला जी रसीद बनाइए। अरे नहीं नहीं, अरे क्यों मजाक कर रहे हैं आप, एक सेकंड शुक्ला जी रुकिए रुकिए। देखिए भाई ऐसा मत कीजिए आप, मैं तो यहाँ डिपॉजिट लेने के लिए आया हूँ, ये आपको दूंगा नहीं है सब मैं। एक मिनट बाबू जी, ठा ठा करने से कुछ नहीं होगा, मुझे बात करने दो। पांडे जी नया बंदा है, अच्छा बंदा है, रास्ते में खाना भी ठा ठा खिलाता हुआ लाया है, थोड़ा सा रहम करो। ठीक है आप रोज के आने जाने वाले हो, 8,000 में सेटल कर रहे हैं बगैर रसीद के। नहीं नहीं, पर अभी तो 5,000 रुपए कह रहे थे। अरे वो चेक करने के पहले, अभी लेटेस्ट 8,000 रुपए मैं दूंगा। देखो मुस्तदीलाल गंडोत्रा, मान जाओ दे दो, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो आपको आपका सामान मिलेगा या तो यहीं पड़ा रहेगा। मिलेगा कहाँ से, यहाँ पड़ा रहा तो दो बातें होंगी, या तो यहाँ पड़ा पड़ा सड़ जाएगा या हम उठा के ले जाएंगे। सड़ गया तो गया समझो, और हम उठा के ले गए तो। अरे भाई हमें ही उठा के ले जाना है तो अभी उठा लेते हैं। भाई ये वॉशिंग मशीन नई है ना भाभी जी, ये मेरी। अरे हाथ मत लगाना मेरे सामान सामान को। ऑक्ट्राई भर दो। ऑक्ट्राई शॉक्ट्राई मैं नहीं भरूंगा। शुक्ला जी सामान सील कर दो। देखा पांडे जी, देखो जी बात यह है कि आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट सर्वेंट हो और मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट सर्वेंट हूँ, भाई हम लोगों को आपस में कुछ तालमेल रखना चाहिए, कोई भाईचारा तो होना चाहिए ना। अरे राजा जानी तभी तो कह रहे चारा डाल दो, भाईचारा बना रहेगा। चारा डाले बिना काम नहीं चलेगा ना। तो पाटिया जी बात करो यार, कोने में ले जाके। मैं क्या करूं, हर कोने में आपका सामान पड़ा ठा ठा कर रहा है। अब कोने को छोड़ो, जो देना दुआना है बीच में दे दो। कितना दे दूं? जो बोल रहा है। आ जाओ जी लो 8,000 रुपए, ये पकड़ो आप। ठहरो, दूसरी जेब में, ईमानदार आदमी हूं ऐसे नहीं है, ये लो पकड़ो। और ये 1,000 रुपया रह गया, ये भी ले जाओ, 8,000 पूरा है। यही तो, और मेरे पापड़ पे ऑक्ट्राई दिल्ली से लाए हो ना। अरे वो तो मैं यहाँ से लेकर गया था ना। लेकिन लाए तो दिल्ली से हो ना। कितने दूं? दे दो 50 रुपए। और भाई सामान उतरवाया, बीवी उतरवाई। सामान चढ़वाओगे, बीवी चढ़वाओगे, कुछ हमें भी ठा ठा कर दो ना। बस अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। देखो ना इधर कुछ होगा ना। अरे क्या कर रहे हो, नंगा शंगाई करोगे? शुक्ला जी और कुछ सामान तो नहीं है जो यहाँ से नहीं ले गए थे लाए? हाँ एक मिनट, एक सामान है जो लिस्ट में भी नहीं है और ट्रक में देखा वो भी नहीं है। क्या ये? और ये तो गैस सिलेंडर है। हाँ तो ले एक गए थे, ला डबल रहे हो क्या? और ये गैस सिलेंडर नहीं है, ये तो मेरी वाइफ है। इनका भी ऑक्ट्राई लगेगा। इसका भी ऑक्ट्राई लगेगा। और इसका ऑक्ट्राई शॉक्ट्राई मैं नहीं दूंगा, इसको यहाँ रखना है तो रख लो, तुम्हें ले जाना तो ले जाओ। नहीं 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 ठीक है, हम छोड़ रहे, तुम भी क्या याद करोगे। थैंक यू।